हेलो एवरीवन, आपको मेरी गार्डनिंग में फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये मेरा एक मैंने इसको सोचा मैं इसको हैंगिंग प्लांटर बनाऊं। ये अधिकतर आपके पास ना, जैसे आपके पास शादी कार्ड आते हैं तो ऐसे ऐसे सामान आपके पास आ जाते हैं, आप उसको ना सोचते हो आप फेंकू कैसे, इतना अच्छा लग रहा है और उसको रखने की कोई जगह नहीं होती हमारे घर में। तो अगर इसका हम प्लांटर बना के यूज़ करें, इस टाइप के कुछ भी आता है, बास्केट या शादी से कुछ भी आता है हमारे कार्ड के साथ, तो हम इसको एक बहुत ब्यूटीफुल सा मतलब बना के अपने गार्डन में इसको लगा सकते हैं और एक अच्छा सा मास्टरपीस गार्डन में ही अलग से ही लगेगा। तो ये आइए देखते हैं आपको। तो इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, ये आप देख रहे हैं रेड कपड़ा है, कोई भी रफ कपड़ा आप ना इसमें ऐसे आप देख रहे हैं, इसमें ये पोर्स है। मैं ऐसे मिट्टी डालूंगी तो जब भी पानी डालूंगी तो मिट्टियाँ गिरती रहेंगी, तो ऐसे पोर्स को कवर करने के लिए आप इसमें एक कोई भी पुराना कॉटन का क्लोथ बिछा सकते हैं। और मैंने इसमें क्लोथ बिछा लिया है, चारों तरफ कवर करने की कोशिश करिए। अब हम इसमें एक लीव्स की लेयर डाल देंगे। आपके पास कोई भी गमले सूख गए हैं, ऐसे ये मेरा, ये आप देखो ये मेरा गमला ना सूख गया ये, तो इसकी लीव्स मैं ना फेंकूंगी नहीं। ये गमला आप देख रहे हैं, ये मेरा जैसे मैं ना बाहर गई थी गर्मियों में तो पानी नहीं डालने वैसे ये सूख गया, ये मुझे बहुत पसंद था तो मैं इसकी लीव्स मैंने अभी तक फेंकी नहीं है, तो मैं इसकी लीव्स को मैं यूज़ कर लूँगी प्लांटर में। सारी लीव्स का मैं इसको कट करके बेसिकली मैं सूखी लीव्स लेनी है, कोई भी सूखी लीव्स आप ले लो। मेरे पास ये गमला सूखा था तो मैंने इसकी ले ली, अदरवाइज आप कभी बाहर जाके गार्डन से भी या बगीचे से भी आप सूखी लीव्स ला सकते हैं और इसमें आप एज एक लेयर बना सकते हैं। आपके पास सूखी लीव ना हो, जैसे आपके पास अगर वो हो जो कूलर के साथ वो जो जूट का वो होता है ना निकलता है, वो भी आप लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। ये मैंने अच्छे से एक लेयर बना दी है लीव्स की। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मिट्टी। जो ये लीव्स है ना, आप सोचे मत कि इससे ये भर गया है, ये कुछ टाइम बाद वापस ये सड़ जानी है, ये खाद बन जाएगी बहुत अच्छी सी। तो बेसिकली आप किसी भी गमले में ये आइडिया आप ये ट्रिप आप यूज़ कर सकते हैं। आप नीचे आप सूखी लीव्स डाल के ऊपर मिट्टी आप डालिए तो आपके मतलब अच्छी खाद नीचे मतलब बाद के लिए बन जाएगी और आपके पेड़ अच्छे ग्रो करेंगे। अब मैं इसमें मिट्टी का लेयर डालूंगी, एक लेयर पूरा मिट्टी का डाल दूंगी। ये मैंने सारी मिट्टी अच्छे से फैला देनी है और ये सारा आपका प्लांटर रेडी होने वाला है। प्लांटर रेडी है, अब मैं इस पर प्लांट लगाऊंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये ना छोटा प्लांटर है, मैं इसमें मैं दिन दुपहिया का पेड़ लगाऊंगी। इसमें ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, आप देख रहे हैं ये दिन दुपहिया हरी, इधर गमले में ये सारे गमले में दिन दुपहिया जो हैंगिंग होते हैं मैं लगा देती हूँ, ये नीचे इधर लगे हुए हैं तो इसमें फ्लावरिंग अच्छी लगती है। ये बांस का प्लांटर है, ये मैंने ऐसे बनाया था, ये नीचे भी दिन दुपहरियाँ लगी हुई है तो मैं उसमें से मैं थोड़ा सा कट करके मैं निकालूँगी। ये मैंने दिन दुपहरिया का एक गमला लिया है, अब इसमें से मैं सिर्फ ये ऐसे ना कट करके ऐसे आप लगा देंगे ना तो ये लग जाते हैं, इसको लगाना बहुत ईजी होता है। अगर आपके अपने गार्डन में बस फ्लावरिंग देखनी है ब्यूटीफुल, आप सिंपली यही लगा दो, इसकी मेंटेनेंस भी कुछ नहीं है, आप आज लगाओगे दो दिन में फ्लावर आ जाएगा, बहुत बढ़िया होता है। ये मैंने कट कर लिया है, अब इसको सिंपली ना इसको बस ऐसे ही बस मिट्टी में ऐसे ही कर देना, कुछ नहीं करना, अभी बस ऐसे ऐसे लगा देना। आप देख रहे हैं मैंने सिंपली इसको बस मिट्टी में ऐसे ऐसे लगा दिया है और ये जम जाएगा। ये बहुत ही आसान होता है इसको लगाना, बस कट करो लगा दो, कुछ नहीं सोचना, कोई रूटिंग हार्मोन कोई रूटिंग वो नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए,
ये अपने आप लग जाता है। अब मैं इसको, ये हमारा प्लांटर रेडी है, हैंग करूँगी। हैंग करने के बाद इसको जब ये बड़ा हो जाएगा, इसमें फ्लावरिंग सुंदर सुंदर आएगी, फिर ये बहुत ही प्यारा लगेगा। ये फाइनली ऐसा हो गया है, अराउंड 25 डेज हो गए इसको, सारे प्लांट्स बड़े हो गए। मैंने इसको कलरफुल स्टोन से, और ये मैंने पहले भी दिखाया था, मैंने इसको एक DIY बिलन से इसको पेंटिंग करके बीच में सजा रखा है। और हैंगिंग का मेरे पास स्पेस अभी नहीं है, तो मैंने अभी हैंग नहीं करा था, एज इट इज़ मैंने रख दिया है। और ये ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बाकी सारे गमलों जो मैं मार्केट से लेकर आती हूँ उससे ज़्यादा आई थिंक ये बेटर लग रहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।